पीएम मोदी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि। बोले उन्होंने जीवन में हमेशा ईमानदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से रवाना हुई छठी उड़ान। नवाब मलिक को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। 3 मार्च तक ईडी हिरासत में है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। घरेलू धरती पर T20 में कमाल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में केवल 8013 नए मामले आए सामने। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। चंदौली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होने जा रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार करीब 3 बजे कांटा गांव में जनता इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बाबतपुर के लिए रवाना होंगे। चुनावी सभा में जेपी नड्डा जनता को संबोधित करने वाले हैं और जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे। चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का ये सबसे अहम दौरा माना जा रहा है। खबर संभल से है, जहां पर भारत सरकार यूक्रेन में फंसे जिन छात्रों को वापस लाई है उनमें 4 संभल के छात्र हैं। जब रकनुद्दीन सराय के छात्र से बात की गई तो उसने यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर और फिर इंडिया में भी घर तक फ्री वापसी की दास्तान सुनाई। पूरा परिवार जहां पीएम मोदी के लिए नतमस्तक है, तो वहीं दिल्ली से घर तक पहुंचाने वाले सीएम योगी का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों का वापस लाने का आश्वासन दिया था। हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ पर कीव में और खार्किव साइड में ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जिस साइड हम थे उस रोड में वहाँ तो कुछ सेफ थे हम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया हिंदुस्तान को। पहले हम बसों से बस द्वारा वहाँ गए, हंगरी बॉर्डर पर गए, हंगरी से वहाँ से हम प्लेन से दिल्ली आए और इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और दिल्ली से हमें घर तक यूपी गवर्नमेंट ने बाई कार घर पहुँचवाया, इसलिए हम यूपी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम तो साहब कहना क्या चाहेंगे, कहना यही है कि ये हमारा बेटा जो फैजान अशरफ है यूक्रेन में था यूनिवर्सिटी में उस ग्रोड में, और वहाँ के हालात ख़राब थे ही, तो बेहिसाब परेशानी थी, बेचैनी थी। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की सरकार को कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कदम उठाकर और हमारे बेटे को और उसके साथ 240 लड़के जो आए हैं फ्लाइट से, एयर से आए हैं, हवाई जहाज़ से, तो सारे लोगों को मतलब दूसरे मुल्क में पहुँचाया और फिर वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान पहुँचाया, दिल्ली पहुँचाया, और दिल्ली पहुँचाने के बाद फिर यहाँ की यूपी की गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ी से हमारे घर तक भिजवाया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब सरकार ने ऐसा कदम, ऐसा सराहनीय कदम है ये कि इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये उठाया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। सिद्धार्थनगर के विधानसभा डुमरियागंज के तिगोढ़वा में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने सपा प्रत्याशी सईदा खातून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गांवों में गैस सिलेंडर दिया गया था। हमारी सरकार बनने पर किसानों को फ्री बिजली और खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। भाजपा कह रही है कि हमने आदमियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, वो उज्ज्वला योजना हुई। भाजपा जो कह रही है वो जुमला साबित हुआ। भाजपा ने जो भी वादा किया था, चाहे किसान से, चाहे छात्रों से, चाहे बेरोजगार नौजवानों से, चाहे छोटे मोटे व्यापारियों से, एक भी वादा, एक भी सपना उसका जमीन नहीं।
सोनभद्र में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण 7 मार्च को होना है। सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। उसी क्रम में भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया और नुक्कड़ नाटक के जरिए सभी प्रत्याशी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी राम दुलारे ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोड शो किया, जबकि सपा प्रत्याशी विजय सिंह ने रोड शो के बाद नुक्कड़ सभा भी की। फरुखाबाद में नर्स के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गहनों की चोरी हुई है। दरअसल नर्स पिंकी राठौर लोहिया अस्पताल में एसएनसीयू पद पर कार्यरत हैं और उनके घर से लाखों के जेवर गायब हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का है। अच्छा, तो लगभग कितने बजे घटना है? यह घटना 3 से 4 बजे के बीच हुई है। अच्छा, तो लगभग कितने रुपए तक के गहने होंगे? गहने तो लगभग उनके काफी चले गए हैं, उनसे जानकारी होने पता लगी। फिर भी कोई अंदाजा? आपको 10 के आसपास के गहने चले गए। 10 लाख रुपए? अच्छा, तो क्या किसी कोई शक वगैरह की जानकारी? अब ये मामला संदिग्ध इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये अच्छा अभी पुलिस वगैरह को आए? अच्छा, पुलिस मौके मौजूद है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और लगभग 6 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को मौके पर जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायलों को कानपुर हेलेट रेफर कर दिया है। लोडा ठार किए थे हमारे पिताजी दादा को बुलाने, तभी तेज रफ्तार में चारपहिया ने टक्कर मार दिया और ठेले के नीचे हमारे दादा और दीदी आ गए थे। इलाज चल रहा है उन लोग का, हमारे गया दादा खत्म हो गए। बिजली गांव से जा रहे थे, इधर ककड़ेड़ू जा रहे थे, तो गांव के सब लोग थे, 10-12 लोग थे, तो यहाँ थरिया बाईपास के पास एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पास एक लोग ख़त्म हो गए, बाकी यहाँ से कानपुर चले गए और यहीं हैं, एक लोग ख़त्म हो गए, चढ़ाऊका चढ़ाने जा रहे थे। भारतीय सेना में कार्यरत अंकुश के घर वालों को उनकी पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलते ही उनके पिता ने अपने बेटे को ये बात बताई, जिसके बाद अंकुश ने अपनी पत्नी पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए ऋचा अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने लगी। युवती ने अपने ससुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, उसने बाबा और मासूम नतनी पर अस्मत लूटने का आरोप लगाया और अंकुश के पिता ने एसपी से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद और उसके आशिक रजनीश के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। बस्ती पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आईएसएफ में 12 साल सर्विस किया, इस सर्विस के दौरान जो हमें कितने रिवार्ड मिले, उसके बाद में अपना जो है सर्विस बहुत बढ़िया किया, मेरे कहीं सर्विस में कोई दाग नहीं है, लेकिन मेरे बहू द्वारा लगाए गए मेरे ऊपर आरोप जो है सरासर गलत है। और क्यों आरोप लगा रही हैं? हम उनको जो है खर्चा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि एक सत्यम रजनीश उर्फ सत्यम नाम का लड़का है, उनके फुआ का लड़का है, वो हमारे घर में उनका आना जाना रहता है, जब वही सब देख करके फिर हमने जो है 12 साल सर्विस करके रेजिग्नेशन ले लिया। आया उसके बाद हमने कई बार मना किया, लेकिन मना करने के बाद उन लोगों ने हमको जो है धमकी दिया। कौन लोग? ये उन रजनीश सत्यम और जो है हमारी बहू हैं, इन लोगों ने हमको धमकी दिया। बेटा कहाँ है आपको? बेटा हमारा इस समय जो है सिक्किम में तैनात है, आर्मी में बेटा लड़का भी। जानकारी है उन्हें इस बात की? हाँ, जानकारी उनको इस बात की, इसीलिए जो है हम यही चाहते हैं कि उनको जो है कठोर से कठोर जो है कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। क्या शरण शुक्ला जो मूल रूप से मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने एक प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें इनका आरोप है कि इनका पुत्र जो बाहर जॉब करता है, पत्नी से उसका आपस में संबंध या तालमेल सही नहीं है, और इनका आरोप है कि उसकी पत्नी द्वारा इनके लड़के को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे संबंध में इस द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि दोनों बच्चों को बुला करके इस प्रकरण
प्रकरण में सामंजस्य बनाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां कावड़ लेके जा रहे कावड़ियों की ट्रैक्टर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर एक कावड़िए की मौत हो गई और 6 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। मौजूदा प्रधान ने गांव के दबंगों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। ग्राम समाज की भूमि पर बने हुए कुएं के लिए प्रशासन से मांग की कार्रवाई की गई है और वहीं शिकायत पर पहुंचे राजस्व कर्मियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस विभाग और राजस्व कर्मी जांच में जुट गए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान लीलावती देवी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अब फेल होती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है और यही युवा इस सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए, कुशीनगर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अपने बेटे को जिताना है और बाहरी को भगाना है। कुशीनगर की जनता ने मन बना लिया है। कुशीनगर की जनता गांव-गांव इस बात की चर्चा कर रही है कि इस बार न पार्टी पर, न जाति पर, न धर्म पर, इस बार कृष्णा के बेटे के कर्म पर के साथ साथ पूरे जनपद में आपके नाम की चर्चा काफी जोरों पे है। मुख्यमंत्री जी ने आपका चर्चा भी हाजी नगर में भी किया है कि आप जो है यहाँ के बहुत युवाओं के और जो किसानों के नेता हैं, तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या, समाजवादी पार्टी तो वहीं से निकली हुई है, किसान आंदोलन से ही समाजवादी पार्टी निकली है। तो कहा जाता है कि भोसराया हुआ हसुआ भी होता है तो अपने ही ओर खींचता है, और ये हसुआ तो यह हसुआ तो धारदार है, भोसराया नहीं है, ये धारदार हथिया है, हसुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर यह हसुआ जो है किसानों के हित में, किसान की फसल काट के और उसका उचित मुआवजा, उचित मूल्य दिलाने का काम करेगा और किसानों से जुड़ी हर समस्याओं को दूर करने का काम समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।